ऐलान सवाल उठा गया कि अवे इस्लामाबाद में पीपी अगवान खुर्शीद शाह मौलाना फजल रहमान की रिहायशगाह पहुंची वो है साणस मुलाकात कई है। मुलाकात में सियासी सूरत हाल वजीर आजम खिलाफ बेएतमादी वारी रिथ से गाल आगाह क्यों पे इस्लामाबाद में पीपी अगवान खुर्शीद शाह मौलाना फजल रहमान की रिहायशगाह पहुंची वो है। मुलाकात में सियासी सूरत हाल वजीर आजम खिलाफ बेएतमादी वारी रिथ से गाल तो आगा क्यों पे खबर है पीपी अगवान खुर्शीद शाह मौलाना फजल रहमान की रिहायशगाह पहुंची वो है साणस मुलाकात कई है। मुलाकात में सियासी सूरत हाल वजीर आजम खिलाफ बेतमादी वारी रिथ से गाल तक बुदाई पे पीपी अगवान खुर्शीद शाह मौलाना फजल रहमान की रिहायशगाह पहुंची वो है। राबतों किया है इस्लामाबाद में सुबह खुशूस सुबह आगा कजो पीपी अगवान खुर्शीद शाह मौलाना की रिहायशगाह पहुंची वो है तफसील है जी बिल्कुल तरीकन साहब के चेयरमैन इमरान खान वजीर आजम खिलाफ अदमेतमाई तरीक है उनमें ढड़ी तेजी अच्छा शुरू की वही है। अजो अहम मुलाकातों शाम को पंजे बजे मौलाना फजल रहमान आसिफ जरदारी गो शहबाज शरीफ की मुलाकात है पर उन पैंह वक्त तहरीक खुर्शीद शाह मौलाना फजल रहमान के घर पहुंतो है उन मुलाकात में जहां नंबर गेम आ उन भी गौर विचार पो वे उन गोग जे अदम इतमादी तरीका उनके की कामयाब कजे उन तारी जो तय उन हवाले से भी हतमी जी सलाह है मशवरा वो भी पो वे उन गोगे हुकूमती जमात जे मेंबर आन उन्होंने राबता है उन भी एक बे से मामला शेयर कर मुलाकात है वह जारी है। इन मुलाकात का मौलाना फजल रहमान बिलावल हाउस इस्लामाबाद में वो जिते मौलाना फजल रहमान शहबाज शरीफ और आसिफ जी भी अहम मुलाकात ठीक है सुबह वही तफसील।